गुलबर्गा शहर में यूथ लीडर शरण आईटी ने गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के AERO ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाते हुए इन्हें बदलने की मांग की है। शरण आईटी ने कहा, बीजेपी कर्नाटका स्टेट में प्राइवेट एजेंसी और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जरिए एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम डिलीट कर रही है। और अगर हम गुलबर्गा शहर की बात करें तो नॉर्थ और साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉरपोरेशन ऑफिस में 2 AERO ऑफिसर्स को बिठाया गया है। गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बसवा कल्याण बीजेपी MLA शरणु सलगार की वाइफ को AERO ऑफिसर बनाया गया है और साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के AERO ऑफिसर के फादर भी बीजेपी लीडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। शरण आईटी ने कहा, गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जानबूझकर ऐसे ऑफिसर्स को बिठाया गया है जिससे एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम आसानी से डिलीट किए जा सकें। शरण आईटी ने कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात कर दोनों ऑफिसर्स को बदलकर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स को इस पोस्ट पर बिठाने की मांग की है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। ಅಲ್ಲಿ ಇದುವಲ್ಲ ಪೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ಯಾರ್ದೇ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅದ್ರಿ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಐಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೊಸ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ಭೀ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 15 days ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಎನ್ ಹತ್ರನು ಕೊಡೋದಿಲ್ರಿ। आज के दिन हम कॉरपोरेशन में कमिश्नर सर को और कलबुर्गी नॉर्थ और कलबुर्गी साउथ का AERO मिलने के लिए आए थे। क्यों बोले तो दिसंबर महीने में पूरा वोटर लिस्ट का स्वीप बोल के एक कार्यक्रम रहता, सिस्टमेटिक वोटर को डिलीट करना, ऐड करना, वो घर में है कि नहीं, BLO घर को जाके चेक करना, वो घर में रहते क्या, किराए वाले कहाँ तो शिफ्ट हो गए, उनको उधर शिफ्ट करने का नहीं है बोले तो कोई भी मरे से उनका डिलीट करने का, और गाँव छोड़ के दूसरा गुलबर्गा नॉर्थ वाले साउथ गए, साउथ में गए, साउथ वाले दूसरा ग्रामीण में गए, ऐसे पूरा उसको क्लीन करने का एक प्रोग्राम रहता। वो मद्देनजर में आज दिसंबर ये महीना पूरा वो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में उल्टा ऊपर नीचे नहीं होना और उसमें कोई भी गलत काम नहीं होना बोल के हम आज AERO दोनों नॉर्थ साउथ मिलने के लिए आए थे। क्यों बोले तो लास्ट एक महीने से बेंगलुरु में कैसा चल रहा मामला बोले तो उधर एक एजेंसी वाले शामिल होके बीजेपी सरकार बीजेपी वाले शामिल होके टोटली वोटर्स बहुत हज़ारों लोगों का वोटर्स डिलीट किए सो है, वो मामले पूरा अभी मीडिया में चल रहा, उसके लिए हम कॉरपोरेशन को आज आए थे। हम मिले कमिश्नर और कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होते और 2 AERO है नॉर्थ के साउथ के। नॉर्थ के कौन है बोले तो सावित्री सलगर और साउथ के श्रेयंका धनश्री बोल के है। हमारे को आज डाउट आ रहे हैं, हमारा एलिगेशन स्ट्रेट अवे है कि दोनों बीजेपी के एजेंट है बोल के कौन, दोनों AERO। क्यों बोले तो सावित्री सलगर प्रेजेंट MLA है शरणु सलगर, गुलबर्गा के रहने वाले अभी बसव कल्याण के MLA है शरणु सलगर, उनके वाइफ है, आज उन्होंने नॉर्थ के AERO बने। क्यों बने, क्या है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उन्होंने इधर मैनेजर एस्टेट मैनेजर बोल के लास्ट 3-4 महीने में ट्रांसफर होके कॉरपोरेशन को आए, उससे पहले उन्होंने विधानसभा में कलबुर्गी विधानसभा में प्रोटोकॉल तहसीलदार बोल के आए थे, उन्होंने चार्ज नहीं लिए। क्यों बोले तो एक पावरफुल पोस्ट होना था उनको, उनका रेफरेंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कॉरपोरेशन में लेके आए उनको, उसमें सभी बीजेपी लीडर्स गुलबर्गा के सबका हाथ है उसमें। क्यों बोले तो इलेक्शन आ रहा 6 महीने में, पूरा उनको ऑफिसर्स रहना, उनका सुनने वाले रहना, पूरा उन्होंने मन मर्जी कैसा बोलते वैसे काम करने के लिए। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन है
धनश्री श्रेयंका धनश्री मैडम है ना, उन्होंने के एस उनके फादर एक प्रभावी बीजेपी लीडर के ऑफिस में एक अकाउंटेंट बोल के काम करते हैं, अकाउंट ऑफिसर बोल के काम करते हैं बीजेपी का लीडर प्रभावी। हम सीधा एलिगेशन करते नॉर्थ के शरणु सलगर के वाइफ है सावित्री सलगर मैडम, यही आरओ है ना, उनको भी निकालिए। और साउथ के कौन श्रेयंका धनश्री है, उनके फादर एक बीजेपी प्रभावी लीडर के ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर बोल के काम करते हैं, दोनों पूरा बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी का इन्फ्लुएंस है दोनों के ऊपर। पूरा इलेक्शन में एक महीने स्वीप प्रोग्राम में गड़बड़ हो सकता, आगे दिनों में लोग परेशान हो सकते हैं, हमारा वोट ढूंढना पड़ेगा कहाँ है नहीं बोल के बेंगलुरु में कैसा हो रहा ना। हम सीधा सीधा कमिश्नर सर को मांग कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ऑफिसर को लाना, इससे पहले किनको एक्सपीरियंस था उसमें, उनको तजुर्ब है कैसा काम करना, नॉन पॉलिटिकली रहना बोल के नॉन पॉलिटिकल आदमी को डालना, नॉन पॉलिटिकली काम चलना। ये वोटर का हक सभी नागरिक का है, नागरिक का हक मिलना चाहिए, वो लोग वोट करना है, अच्छा लीडर को चुन के लाना है, ये हमारा मांग है।